नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। आईपीएल 8 पर फिर मैच फिक्सिंग का साया। आईपीएल 8 शुरू होते ही एक बार फिर मैच फिक्सिंग की खबरें सामने आने लगी है। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 के मैच के पहले राजस्थान की टीम से जुड़े एक खिलाड़ी ने बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट से मैच फिक्सिंग के लिए लालच दिए जाने की शिकायत की है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के मुंबई में रहने वाले खिलाड़ी ने एंटी करप्शन यूनिट से शिकायत की थी कि उसे रणजी मैच में उसके साथ खेलने वाले एक अन्य खिलाड़ी ने ड्रेसिंग रूम में फिक्सिंग के लिए बड़ा लालच दिया था। पहले उसे लगा कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है, लेकिन बाद में उसे पैसे का लालच दिया गया, तब एहसास हुआ कि यह गंभीर मामला है। यमन में भारत ने 5,600 लोगों को निकाला। भारत ने यमन के सबसे बड़े शहर सना से अपने 630 नागरिकों को लाने के साथ ही वहां से भारतीयों को निकालने से संबंधित हवाई अभियान संपन्न कर लिया। अभियान में 4,640 भारतीयों के साथ ही 41 देशों के 960 नागरिकों को भी भारत ने वहां से बाहर निकाला। अभियान की निगरानी के लिए जिबूती गए विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने ट्वीट किया कि शुरू में हमें अनुमति नहीं दी गई, फिर बमबारी की वजह से विमान को रुकना पड़ा और हमें रास्ता बदलना पड़ा। केजरीवाल बोले, मेरे शासन का मॉडल मोदी से बेहतर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके लोक केंद्रित शासन का मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल से बेहतर है। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि उनका ध्यान शासन पर है, आपके आंतरिक संघर्ष पर नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी का मॉडल देश के कुछ धनी लोगों पर केंद्रित है। केजरीवाल ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने महसूस किया कि असली लड़ाई नौकरशाही से है और वह ढांचागत बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे हैं।